हरियाणा बीजेपी के नेता जवाहर यादव ने वीडियो संदेश जारी कर मुख्य विपक्षी दल आईएनएलडी के नेता और पूर्व विधायक रामपाल माजरा पर आरोप लगाया कि उन्होंने पंजाब चुनाव में लहरा गागा से शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार परमिंदर ढींसा का प्रचार किया, लेकिन आईएनएलडी ने आरोपों को खारिज कर दिया। हरियाणा हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन जवाहर यादव ने एक वीडियो जारी कर ये बताने की कोशिश की है कि अकाली दल से नाता तोड़ने का दावा करने के बावजूद रामपाल माजरा ने पंजाब में वित्त मंत्री परमिंदर सिंह ढींडसा के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। इसमें कितनी प्लानिंग है कि अंतर्गत अंदर अंदर रहकर वो कैसे गांव में जाकर भी उनकी मदद कर रहे हैं, ये उन्होंने अपने उसमें स्वीकार किया। हम भी ऐसा मानते हैं, SYL हरियाणा की जीवन रेखा है, परंतु किसान नेता हम मानते हैं, प्रकाश सिंह बादल काफी बड़े किसान नेता है, परंतु उन्होंने ये भी कह दिया कि ओम प्रकाश चौटाला से भी बड़े अगर किसान नेता इस देश में है तो वो प्रकाश सिंह बादल है। INLD का दोहरा चरित्र SYL के मुद्दे पर क्या है, ये आज आपको सामने हो गया। जवाहर यादव का दावा है कि ये वीडियो पंजाब में हुए चुनाव प्रचार के दौरान की ही है। उधर वीडियो के सामने आने के बाद कांग्रेस ने भी इनेलो पर सवालों की बौछार कर दी है, जबकि इनेलो इन आरोपों को खारिज कर रही है। हरियाणा में जितना शोर मचेगा उतना ही पंजाब में उसकी प्रतिक्रिया हो और उसका लाभ प्रकाश सिंह बादल यानी श्रोमणी अकाली दल को मिले, इसलिए ये शोर था। हमेशा दोहरा चरित्र होता है इनेलो का, चाहे वो SYL का मसला है और चाहे कोई दूसरे भी मसले हैं। पंजाब में कांग्रेस कहती है कि SYL का निर्माण नहीं होने देंगे, एक बूंद पानी नहीं होने देंगे हरियाणा सहित किसी भी राज्य को, और दूसरी तरफ हरियाणा में कहते हैं कि SYL का पानी आना चाहिए। दोहरी भूमिका और दोहरे जो है उनका चरित्र, ये तो भाजपा और कांग्रेस का नज़र आ रहा है, प्रदेश और देश के लोगों को नज़र आ रहा है। गौरतलब है कि SYL के मुद्दे पर इनेलो ने 23 फरवरी से नहर की खुदाई शुरू करने की बात कही है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर ये वीडियो सही है तो फिर SYL के मुद्दे पर जनता इनेलो के स्टैंड पर भरोसा कैसे करे। कुलवीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़।